पनीर एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको पसंद नहीं होगा, बच्चों से लेके बूढ़े जवान सभी को बहुत पसंद है। लेकिन सर गर्मियों में एक समस्या बहुत ज़्यादा पड़ जाती है कि दूध पड़ जाता है कम और उसकी जो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नकली पनीर मार्केट में हमें देखने को मिलता है। तो मैं तो कोशिश ये करती हूँ कि गर्मियों में तो बिल्कुल भी बाघ का पनीर ना खाऊँ। मैंने 1.5 लीटर लिया है अमूल का या जो भी लेंगे, फुल फैट मिल्क लिया है फुल क्रीम वाला, उसको अच्छे से बॉयल कर लिया, उसमें 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी मिला के उसका एक मिश्रण तैयार कर लिया है। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा करके उसको डालते रहेंगे और उसको विस्कर से करछी से किसी से भी आप हिलाते रहिए, और जब इसमें दाने बनने लग जाएंगे ना दूध में और आपका ग्रीन कलर का पानी सेपरेट होने लग जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पनीर जो हमने दूध में जो प्रोसेस किए पनीर बनाने वाली वो तैयार हो चुकी है। और यकीन मानिए इस तरह से जो घर में हम पनीर बनाते हैं ना ये ज़्यादा टेस्टी भी होता है और हमें पता भी है कि हमने क्या चीज़ इसमें यूज़ की है और क्या हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बस ये बन के तैयार हो गया, उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाएंगे तो इससे क्या होगा पनीर हमारा टाइट हो जाएगा। उसको हमने एक स्ट्रेनर में छलनी में लेके छान लिया, छानेंगे तो इसमें क्योंकि विनेगर का रस भी है तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा साफ़ पानी से भी इस पनीर को हम थोड़ा सा धो लेंगे, दबा दबा के ये जो खट्टा पानी है इसको निकाल देंगे, साफ़ पानी से हम इसको थोड़ा सा धो लेंगे। इससे क्या होगा जितनी भी खटास है वो निकल जाएगी और पनीर भी बहुत टाइट नहीं बनता, बहुत ही बढ़िया पनीर बन के तैयार होता है। थोड़ा अच्छे से धो लीजिए इसे 2-3 बार पानी से बस, और निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए, स्ट्रेनर में स्क्वीज़ कर लेंगे क्योंकि कपड़े पर जब हम करने लगते हैं ना बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं हो पाता है। देखिए उसके बाद भी इतने सारे पानी से धोया तो इतना वाइट पानी निकला है। बस अब आप एक मलमल का कपड़ा, कोई भी कपड़ा, साफ़ कपड़ा लीजिए और उसमें ये पनीर डाल दीजिए। उस पनीर को रखने के बाद हम उस कपड़े को गोल सा अच्छा सा फोल्ड एक पोटली जैसे बना देंगे। उस पोटली को बनाने से क्या होगा कि जो हम उसको स्क्वीज़ करने में हमें निचोड़ने में बहुत हेल्प मिलेगी और जो भी थोड़ा बहुत पानी इसमें बचा होगा खट्टा वाला वो हमारा पूरा का पूरा निकल जाएगा और हमें बहुत ही उम्दा पनीर मिलकर तैयार होगा। बस अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए, चाहे आप 1 ही घंटे के लिए कीजिए, जितना आपके पास टाइम है, किसी भारी चीज़ से इसको दबा के रख दीजिए। उससे क्या होता है पनीर थोड़ा अच्छे से सेट हो जाता है और उसमें थोड़ा टाइटनेस भी आ जाती है और पनीर के बाकी जो प्रोसेस होती है ना वो भी पूरी बहुत अच्छे से हो जाती है। मैंने 1.5 घंटे में ये हटा लिया था, 1.5 घंटे में हटाने के बाद अब मैंने देखा तो मेरा पनीर एकदम परफेक्ट हो चुका है। मैं इस पनीर की सब्ज़ी को रात को नहीं सुबह बनाऊंगी और ये पनीर की जो रेसिपी है मैं रात को बना रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया पनीर बनाए, कितना स्पॉन्जी है ये ना। इस तरह से आप पनीर बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, आपके बच्चे इसी पनीर को खाएंगे। बस अब मैं थोड़ा इसे बड़े बड़े पीसेस में काट के रख ले रही हूँ। ये मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से ये स्पॉन्जी पनीर बनाया है और आप सबके लिए भी बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो क्यों खाना है हमने बाहर का गंदा पनीर, क्यों ना हम अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों की, अपने घर की, अपनी पूरी फैमिली की सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए मौज कीजिए। बस कोशिश कीजिए कि हेल्दी खाएं, लेस ऑयली खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली ना खाएं और इस समर्स में जितना हो सके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, बहुत ऑयली फूड ना खाएं। ये तो हो गया भाषण पूरा, बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।